ओके ओके सीन के बारे में बताइए। सीन में हम खाना परोस रहे हैं क्योंकि हर औरत ये देश में ऐसा हम दिखाना चाहती है या दुल्हन के जोड़े में हम खाना परोस रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एलियंस आ रहे हैं, सो दैट इज अ न्यू ट्विस्ट, लेट्स सी व्हाट इज गोना हैपन। आई थिंक यस, ये एक अलग फ्लेवर हो रहा है शो में, ऐसे मुझे लग रहा है कि यू नो ये थोड़ा साईफाई सुपरनैचुरल ऐसे तरफ टर्न ले रहा है अभी, इज व्हाट आई एम गेसिंग। और एलियंस वाली बात तो यू नो वी आर आल्सो एक्साइटेड कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि दो साल से तो नॉर्मल फैमिली ड्रामा था, यू नो कॉमेडी थी, पर ऐसा कुछ नहीं आया है कि ऐसा कुछ आ रहा है जैसे कोई कोई शोध में होता है ना, माता रानी आ गई ना कोई मक्खी बन गया कोई चुड़ैल आ गई, वैसे हमारे इसमें एलियन आ रहा है। टेंशन तो मुझे लगता है अभी एलियन का ही टेंशन है, यही सबसे बड़ा टेंशन भी होगा। और आई थिंक ऑडियंस विल बी रियली हैप्पी टू सी अस टैकलिंग विद द एलियंस, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कोई खतरा था नहीं जिससे हम सारे लोग मिलके यू नो ना कर पाए, पर अभी आई थिंक एलियंस के पास क्या पता क्या सुपर पावर्स हो, कितने स्ट्रांग हो वो, हम पंड्याज उनसे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देखने के लिए सॉरी जानने के लिए देखते रहिए पंड्या स्टोर। अरे क्या बीच में देखना बंद कर दिया था, फटाफट वापस अपने टेलीविजन सेट्स पे ऑन करो 7:30 को पंड्या स्टोर, वरना फिर बोलना मैं हम चले जाएंगे तो ठीक है भाई। देखते रहिए पंड्या स्टोर, नहीं भी देख रहे होंगे ना तो ऑन करके चले जाना टीवी। नहीं नहीं क्यों नहीं देखेंगे, अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है यार, ये तो देखना ही है। अगर सब्जी काट रहे हो घर में खाना बना रहे हो तो भी ऑन कर दो, सुनते रहो सुनते रहो, मजा आएगा। थैंक यू। बच्चों की आदत ठीक की जाए ना, उसका मतलब उन्हें बिगाड़ना।